अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। नाजरीन, चंद फिरखा परस्त ताकतें, चंद एंटी नेशनल नौजवान कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मौजूद तमाम मुसलमानों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। चंद, बिल्कुल जिसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ऐसे नौजवान, सिर्फ मुसलमान नामी नौजवान एंटी नेशनल हरकत ऐसी करते हैं जिसकी वजह से सारों को परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। आजकल हिंदुस्तान में ऐसा माहौल हो गया है, जरा सी बड़ी दाढ़ी, कुर्ता पैजामा और सर पर टोपी दिखी तो पुलिस और आवाम उसे शक की नज़र से देखना शुरू कर दी है, यानी कि स्पेशल फोकस उस पर जा रहा है। ऐसा ही एक वाकया वायरल वीडियो के जरिए हमारे पास आया है। धनबाद अलापुजा एक्सप्रेस ट्रेन, अलापुजा एक मुकाम है केरला में, धनबाद से वहां जाने वाली ट्रेन की चेकिंग हुई एक स्टेशन पर केरला के इलाके में। एक कोच में जमात में जाने वाले मदरसे के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग बैठे हुए थे जो जमात में जा रहे थे। फौरी पुलिस एक्शन में आ गई और इन तमाम को चेकिंग के नाम पर ट्रेन से उतार दिया। अब लिखना शुरू कर दिए नाम, पता, कहां से आए, कहां जा रहे। बाकी ट्रेन का सफाया, बाकी ट्रेन को कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे ही नजर पड़ी, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा, बैग लगे हुए है, शायद कोई टेररिस्ट है, शायद कोई फिरखा परस्त है, ऐसा नजरिया बन चुका है। चंद फिरखा परस्त बेवकूफ नौजवान मुझो ऐसी हरकत कर बैठते हैं, एंटी नेशनल हरकत, जिसकी वजह से मासूम दूसरे मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा माहौल बन चुका है। आइए ये वायरल वीडियो पर एक नजर डालते हैं। देखा नाजरीन आप, बहरहाल ऐसा माहौल बन चुका है, अब क्या कर सकते हैं, इसे दूर करने की जरूरत है। कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़े।
आइए अब अनकट के अगले अनुमान पर चलते हैं। एक तरफ दाढ़ी कुर्ता पैजामा टोपी वाले मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे माहौल में, दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मार्केट में नए बाबा आ गए हैं बेवकूफ़ बनाने लोगों को, और ये बाबा का नाम है घूंघट वाले बाबा। देखिए आप लोग, अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिल भर का। पाकिस्तान की मार्केट में नए घूंघट वाले बाबा, क्या तमाशे चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। खैर, यह था आज का हमारा अनकट शो। मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।